देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं मदन लाल और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। हनुमानगढ़ जिले में संपन्न हुए वृहद मेगा विधिक चेतना शिविर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के संयुक्त सचिव देव कुमार खत्री मुख्य अतिथि रहे। वहीं शिविर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में सभी तालुका से अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट व जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों सहित जिला कलेक्टर श्री दिनेश चंद्र जैन, एसपी श्री अनिल कयाल समेत लगभग सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। आइए देखते हैं रिपोर्ट। शिविर में विभिन्न विभागों की करीब 50 टोल द्वारा आमजन को लाभान्वित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री आशा चौधरी ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य आम और गरीब ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को जो राज्य सरकार व केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है उन्हें लाभ दिलाना है। वह जिनके विभिन्न विभागों के आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में कार्य लंबित थे उन्हें यहाँ शिविर के दौरान पूरी सहायता मुहैया करवाई गई है, जिसमें आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, अन्य पंजीकरण, विभिन्न योजनाओं के आवेदन शामिल है। सुश्री चौधरी ने बताया कि इस शिविर में पूर्व हमारी पैरा लीगल वॉलंटियर टीम द्वारा घर घर जाकर विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर संपर्क किया गया, जिनका समाधान हेतु प्री लिटिगेशन कैंप भी आयोजित किए गए। वहीं इन्हीं कैंप से वंचित व पात्र व्यक्तियों की समस्या का समाधान इस कैंप में भी किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शरम थीम पर संपन्न इस शिविर में हजारों की तादाद में लाभार्थियों ने लाभ अर्जित किया व विभिन्न योजनाओं की जानकारी हासिल की। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर को भी सम्मानित किया गया। पीलीबंगा से अजय पाल मित्तल व भंवरलाल नेहरा की रिपोर्ट। राजस्थान पीड़ित अधिकार योजना 2011 पर चर्चा के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। भारत का संविधान आपको जो नंबर मैंने प्रोवाइड करा है उस पर आप कॉल करके कभी भी आप सूचना दे सकते हैं। कहीं बाल विवाह हो रहा है, अगर किसी प्रकार की कोई योजनाओं से वंचित है तो हमारे वहाँ एडिया सेंटर जो कोर्ट में है वहाँ आके संपर्क कर सकते हैं। करीब 226 ग्राम पंचायतों में हमारे PLV कार्यरत हैं, जिसके लिए वो समय समय पर वहाँ जाते हैं। जो लोग योजनाओं से वंचित है उनका ई मित्र के माध्यम से आवेदन करवाते हैं और लोगों को योजनाओं का लाभ देते हैं। साथ ही वहाँ पे कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। PLV के माध्यम से करीब 7 से 8 प्रकरण जो राजस्थान पीड़ित प्रतिकर के तहत उनके द्वारा लाए गए, लोगों को बताया गया कि उनके साथ अपराध हो चुका है या किस प्रकार से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर